मैं भी मारिया के साथ बैठी हुई हूँ, ये नहीं कि मैंने मेहंदी लगवानी है, मैं इसलिए बैठी हुई हूँ कि थोड़ा सा वीडियो बना सकूँ और आपके आपको दिखा सकूँ कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं हमारी। मैं मेहंदी नहीं लगाती इसलिए कि मुझे इसकी स्मेल अब आके ना नहीं बर्दाश्त होती। एक तो इसमें केमिकल होते हैं, तो ये है मेहंदी, तो ये ना केमिकल मेरे सर को चढ़ते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाती है, मेरा बीपी लो होने लग जाता है। ये भी नहीं कि मैं लगाती नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है और जो मेहंदी की रियल खुशबू होती थी मुझे बहुत ही पसंद थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ हर काम में तब्दीलियाँ आती रहीं, तो मेहंदी में जब केमिकल्स डाले जाते हैं ना वो मेरे दिमाग को चढ़ते हैं और मुझे कभी कभी आँखों में पानी आने लग जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। तो छोटी पे मैंने बस सिर्फ एक अपने हस्बैंड का नाम ही हाथ पे लिखा था कि बस पता चले जी हम ईद कर रहे हैं। मारिया का माशाल्लाह इतना प्यारा हार सज गया, एक एक हाथ तो जब लग रहा है दूसरा वो लग गया, उधर से दिन बनाती हैं, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लग रही है। अब ठीक है, अरे दिखाओ, सब प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बताऊँ क्या हुआ था, इस जगह पे ना इसकी बड़ी सिस्टर का हाथ लग गया था। ये अक्सर ऐसा हो जाता है मेहंदी लगवाते लगवाते किसी ना किसी का हाथ लग जाता है। इस बार मारिया ने भर के मेहंदी नहीं लगवाई, सॉफ्ट मेहंदी लगवाई है। मारिया गई थक, मारिया सुस्ती हो रही तुम्हें, दिखाओ दोनों हाथ, दिखाओ मेरी तरफ करो ना, हाँ मेरी तरफ, हाँ ऐसे कितनी प्यारी लग रही है मारिया, अब खुश हो ना। लेकिन थोड़ी सी यहाँ से गड़बड़ हुई है, लेकिन ना ये डिज़ाइन अच्छा आ जाएगा, वो बस हाथ लग गया क्योंकि हमने मारिया को नाराज नहीं होने देना है। मारिया इस बार खुश हो ना, अंदर लगवानी को टिक्की लगवा लो, छोटी सी एक टिक्की लगवा लो, नहीं आ बस रन, अभी तो मारिया करी पाँव पे भी लगवा दो, मैं कहा नहीं तुम दुल्हन तो नहीं हो, लेकिन ना इसका बड़ा ही शौक होता है कि पाँव पे भी लगवा लो, लेकिन ईद पे इसके तो खुसे हैं, इसने खुसे पहनने, तो मारिया के मूड का कोई पता नहीं है। घर जाके होता ना सब में, हम भी जब छोटे थे तो मेहंदी कह रही हूँ, ईद से एक दिन पहले मेहंदी लगाते थे और ईद वाले दिन भी ट्राइयाँ चल रही होती थी एक दूसरे के हाथों पे। तो ये मारिया भी यही चक्कर करती है, अपनी फ्रेंड्स को बुला के अंदर कुछ ना कुछ कर रही होती है। मुझे भी बड़े नींद के झोंके आ रहे हैं, बड़ी मुझे सुस्ती चढ़ी हुई है, अब मैं घर जाके 2-3 घंटे सो जाऊँगी। और अब मारिया की 2 बड़ी सिस्टर हैं, वो मेहंदी लगवा रही हैं, बस इनकी मेहंदी लगने की देर है और फिर मैं घर जाऊँ। मेरी शक्ल पे भी कितनी सुस्ती छाई हुई है, पर से अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास करम किया, इतना अच्छा मौसम कर दिया, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और ईद भी अल्लाह ताला ने ठंडी कर दी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।